यदि आपको बिना झंझट के घर की सामग्री से झटपट लंच या डिनर बना करके तैयार करना है तो आज की रेसिपी आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। तो नमस्कार, पापा मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। इसके लिए यहाँ पर मैंने 3/4 कप जितना दही लिया है। ये दही गाढ़ा है इसीलिए इसको एक बार फेंट लेते हैं। इस तरह से फेंट लेने से दही अच्छा स्मूद हो जाएगा और इसके अंदर के लम्स वगैरह होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके लिए आप चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, विस्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके घर में मथनी होता उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी दही अच्छे से फेंट करके तैयार हो जाएगा। इस तरह से हमने पूरे दही को फेंट करके तैयार कर लिया। अभी इसे हम साइड में रख देंगे और यहाँ पर मैंने 3/4 कप जितना बेसन लिया है, इस बेसन को परात में ले लेते हैं। ये महीन वाला बेसन ही है और इस बेसन के अंदर कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। बस 2 पिंच जितना इसमें हल्दी डाल देते हैं और 1/4 छोटा चम्मच जितना इसमें नमक डाल देते हैं और 1/4 छोटा चम्मच जितना ही लाल मिर्ची डाल देते हैं और 1/4 छोटा चम्मच जितना ही जीरा डाल देते हैं। इसमें सभी मसाले बहुत थोड़े थोड़े डालने हैं और 1/4 छोटा चम्मच जितना अजवाइन डाल देते हैं, जिससे कि बेसन है पाचन में हल्का रहेगा। तो अजवाइन को इस तरह से हाथ में लेकर के मसल के डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। अभी इसमें 1/4 चम्मच जितना तेल डाल देते हैं और सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाले सब जगह अच्छे से लग जाने चाहिए। अभी जो दही हमने फेंट के रखा है उसमें से 1 टेबल स्पून जितना ले लेते हैं और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डालें और सबको अच्छे से मिक्स करते रहें। इसका हमें आटा नहीं गूंदना है। जैसे छेना बनाते हैं तो छेने का छोटे छोटे टुकड़े तैयार होते हैं, उसी तरह से इसमें तैयार होने चाहिए। इसमें दही का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। दही नहीं खाते हैं इसकी जगह पर थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकते हैं और पानी से इस तरह से तैयार कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा दही हम और डालेंगे और सबको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं इसका आटा नहीं गूंद रहे हैं, कहीं हल्की हल्की बॉल्स बन जानी चाहिए इसमें। ये बहुत इजी रेसिपी है और बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं हमने पूरे आटे को बना करके तैयार कर लिया है। इसी तरह से बन करके तैयार होना चाहिए। देखिए छोटी छोटी बॉल्स बन गई है इसमें। ये सब करने में आपको लगभग 1 से 1.5 मिनट लगेगा, ये फटाफट बन करके तैयार हो जाएंगे। और इतना बनाने में मैंने लगभग 2 टेबल स्पून दही का इस्तेमाल किया है। आपके दही थोड़ा कम ज़्यादा भी लग सकता है। अभी इन्हें हम साइड में रख देते हैं और दही वाले बॉल को वापस ले लेते हैं। इसके अंदर हम कुछ मसाले डाल देते हैं। 1 छोटा चम्मच जितना मैंने नमक लिया है ये इसमें डाल देते हैं। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और 1.5 छोटा चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्ची डाल देते हैं। कश्मीरी लाल मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं होती है पर इसका कलर अच्छा आता है। तो मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। इसी के साथ 1.5 छोटा चम्मच जितना ही धनिया पाउडर डाल देते हैं और 1/2 छोटा चम्मच जितना हल्दी डाल देते हैं और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये काम हमें पहले ही करके रख देना है। अभी साइड में मैंने कढ़ाई ली है जिसके अंदर थोड़ा तेल डाल दिया है और इसी के साथ मैंने 2 मध्यम आकार के प्याज लिए हैं जिसको मैंने इस तरह से क्यूब में काट लिया है। अभी इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम गैस को चालू कर देते हैं। अभी तेल हमारा गर्म हो गया है। तेल गर्म होने के बाद में आँच को थोड़ा धीरे कर लें, मध्यम आँच में इसे फ्राई करें, ज़्यादा तेज आँच में फ्राई नहीं करें और धीरे धीरे इसे चलाते रहेंगे। इस तरह के प्याज फटाफट फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है इनको, क्योंकि ये जल्दी से फ्राई होते हैं और बाहर निकलने के बाद भी ये पकते रहते हैं। तो देखिए हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं और ट्रांसल्यूसेंट दिखने लगते हैं। बस इतना ही फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई करेंगे तो फिर इसका लुक अच्छा नहीं आएगा। अभी इसे हम निकाल लेते हैं। इसी के साथ मैंने 2 टमाटर लिए हैं। टमाटर को भी मैंने इस तरह से क्यूब में काटा है। इसे भी हल्का सा फ्राई करेंगे। टमाटर में से मैंने बीज नहीं निकाले हैं, बीज इसी के अंदर है। सब्जियाँ क्या तेल से बाहर निकलने के बाद भी अपनी गर्मी में थोड़ी देर पकती रहती है तो काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। टमाटर को भी मैंने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। इसको भी प्याज के साथ ही निकाल लेते हैं। इसको आप देख पा रहे हैं मैंने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं किया है, हल्का सा सॉफ्ट किया है। अभी जो हमने बेसन तैयार किया था इस बेसन को भी इसमें डाल देते हैं। इस तरह से फैला देते हैं। आँच को हमें इस समय भी मध्यम ही रखना है, ज़्यादा तेज आँच नहीं रखनी, मध्यम आँच में ये बहुत ही अच्छे फ्राई हो जाएंगे। इस समय आपको कलर थोड़ा डार्क लग रहा होगा, धीरे धीरे ये अच्छे से पक जाएंगे। ये मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, फिर भी आप देख पा रहे हैं आराम से बन रहे हैं, चिपक नहीं रहे। दही के कारण से इसमें टेस्ट भी अच्छा आता है। इसी के साथ ये काफ़ी सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं इसका सुनहरा कलर आ गया है। अभी हम गैस को बंद कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे। कुल मिला के मुझे प्याज टमाटर और बेसन का जो ये है इसको फ्राई करने में लगभग 7 मिनट लगा है। 7 मिनट में फटाफट फ्राई हो गए, बहुत ही अच्छे बन के तैयार हैं। अभी यहाँ पर हमने कढ़ाई ली है और कढ़ाई में 1 टेबल स्पून जितना घी डाल देते हैं। आप अपने पसंद के हिसाब से घी या तेल कुछ भी ले सकते हैं। अभी गैस को चालू कर देते हैं। अभी घी हमारा गर्म हो गया है। 8-10 कलियाँ मैंने लहसुन की ली है, इसको डाल देते हैं। ये मैंने पतले पतले लच्छों में काटी है।
आप लहसुन नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हैं। आँच को इस समय हम धीरे कर लेंगे। मसाले कभी भी धीरे आँच में पका करके तैयार करें। इसी के साथ आधा छोटा चम्मच जितना जीरा डाल देते हैं और क्वार्टर छोटा चम्मच जितना हींग डाल देते हैं और जीरे को भी इसी के साथ में हम अच्छे से पका लेते हैं। लहसुन का हमें बहुत ज़्यादा कलर डार्क नहीं करना है, हल्का गोल्डन कलर आ जाता है उतना ही हमें पका करके तैयार करना है। इसी के साथ मैंने दो हरी मिर्ची लिया जिसको भी मैंने दो पीस में कर लिया है और आधा ही अदरक का टुकड़ा लिया जिसको मैंने लच्छा में काट लिया है, ये भी इसमें ऐसे डालेंगे। इसी के साथ साथ में अदरक का कच्चापन भी निकल जाएगा। 8-10 मैंने कड़ी पत्ता लिए हैं, ये भी इसमें डाल देते हैं। अभी सभी चीज़ें हमारे अच्छे से पक गई है, आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर कलर आ गया इसका। अभी मैंने एक प्याज लिया जिसको महीन महीन काटा है, ये इसमें डाल देते हैं। प्याज को इस समय आपको महीन काट के ही डालना है। आप चाहे तो मिक्सी के जार में डाल करके इसे दरदरा पीस सकते हैं, उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। प्याज का हमें बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, हल्का ट्रांसलेशन दिखने लग जाए उतना ही पकाना है। तो धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं प्याज काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं और हल्का इसका कलर भी चेंज हो गया है। महीन कटे हुए प्याज होता है तो जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अभी जो हमने दही का मसाला बना के रखा है ये इसमें डाल देते हैं। दही डालने के बाद में हमें कंटिन्यू चलाना ज़रूरी है, नहीं तो दही फट जाएगा। इसीलिए आप इसे कंटिन्यू चलाएं। धीरे धीरे दही के अंदर भी जो घी होता है वो छूट जाता है। तो आप देख पा रहे देखिए धीरे धीरे घी इसमें छूटने लगते हैं। मैं यहाँ पर दही के खटाई की सब्ज़ी बना रही हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह पर टमाटर को पीस के भी डाल सकते हैं, उसकी भी ग्रेवी अच्छी लग जाएगी। दही की ग्रेवी अच्छी क्रीमी बन के तैयार होती है। इस चीज़ का ध्यान रखें, दही आप जो लें वो खट्टा नहीं होना चाहिए। फ्रेश दही होगा तो उसकी ग्रेवी है बहुत ही क्रीमी बन के तैयार होगी और खाने में स्वादिष्ट भी लगती है, क्योंकि जैसे जैसे दही पकता है उसके अंदर से घी छूटने लग जाता है। तो ये मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से पक गया है और पूरा घी को इसने छोड़ दिया, देखिए बहुत ही अच्छा मसाला बन के तैयार हुआ। अभी इसमें हम थोड़ा पानी डाल देते हैं। जिस बॉल के अंदर हम दही का मसाला बनाया था इसी के अंदर हम पानी डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये लगभग मैंने 1 कप जितना पानी ऐड किया है, 1/2 कप जितना पानी इसमें और डाल देते हैं। तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा बना सकते हैं। आपको यदि सब्ज़ी गाढ़ी पसंद है तो आप पानी थोड़ा कम डालें। ये सब्ज़ी हम बेसन से बना रहे हैं, ये बेसन थोड़ा पानी को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए थोड़ा इसमें पानी डालना ज़रूरी है। जब तक पानी में उबाल आ रहा है तब तक मैं आपको बता देती हूँ, जो बेसन को हमने फ्राई करके रखा था वो भी अभी ठंडे हो गए हैं और अच्छे से फॉर्म भी हो गए, देखिए। और बाहर से अच्छे क्रिस्पी और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है। अभी मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ, देखिए बाहर से बहुत खस्ता बन के तैयार हुए हैं। आराम से टूट रहे हैं क्योंकि दही डालने से ये अच्छे सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं, पर ये जूस के अंदर जाके बिखरते नहीं हैं। इसी के साथ इसके ऊपर जो क्रैक्स आए हैं, क्रैक्स के कारण से इसके अंदर तक जूस जाता है जिसे खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। आपने मारवाड़ के गट्टे की सब्ज़ी ज़रूर खाई होगी। गट्टे को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, उसको बनाना उबालना, पर इसको बनाना बहुत ही आसान है, ये फटाफट बन करके तैयार हो जाते हैं। अभी ग्रेवी में उबाल आ गया है। ग्रेवी में उबाल आने के बाद में इसमें 1 टेबल स्पून जितनी कसूरी मेथी डाल देते हैं। कसूरी मेथी का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ मैंने 1 टीस्पून जितना सौंफ का पाउडर लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। इसकी खुशबू इसमें बहुत अच्छी लगती है। अभी आँच को हम धीरे कर लेंगे। अभी जो बेसन को हमने फ्राई करके रखा है ये इसमें डाल देते हैं, जिससे ये इसमें थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। इसी के साथ जो टमाटर और प्याज को हमने सेलो फ्राई करके रखा है ये भी इसमें डाल देते हैं। यहाँ मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आपको हमारी सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लग रही है, नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएँ। यदि आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें, अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर आप अपना रेस्पॉन्स ज़रूर दिया करें, जिससे मुझे मालूम पड़ता रहे कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है या पसंद नहीं आ रही है। अभी ढक्कन लगा करके इसे 2 मिनट तक और उबाल लेंगे। 2 मिनट में सब्ज़ी हमारी बहुत ही अच्छी बन के तैयार हो जाएगी। अभी सब्जियों को मैंने 2 मिनट तक और उबाल लिया है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और 2 मिनट के बाद में खोलेंगे। तो कुल मिला के इस सब्जी को बनाने में मुझे 15 मिनट लगे हैं और 15 मिनट में सब्जी बहुत ही अच्छी बन करके तैयार हुई है। और आपने देखा कि इसके अंदर जो भी सामग्री हमने यूज़ की है वो सभी सामग्री घर में मिल जाती है। कभी भी आपको समझ नहीं आ रहा हो कि आपको झटपट कौन सी सब्जी बना करके तैयार करना है, तो आप इस तरह की सब्जी बना के तैयार कर सकते हैं। ये सब्जी इस तरह की बन के तैयार होती है कि आप इस सब्जी को रोटी के साथ, पूड़ी पराठे के साथ या चावल के साथ भी खाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगती है। अब इस सब्जी को रखे हुए लगभग 2 मिनट हो गए हैं, इसको खोल के देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं सब्जी दिखने में कितनी सुंदर लग रही है। इस सब्जी को देख के सबसे पहले आपके मन में सवाल आया होगा, बेसन के जो पीस हमने डाले हैं वो गल तो नहीं गए हैं? तो आपको मैं दिखाती हूँ, इसमें कोई भी बेसन के पीस है गले नहीं है इसमें, देखिए।
प्याज भी अच्छे से पक गए हैं, इसी के साथ टमाटर भी काफ़ी सॉफ्ट हो गए, देखिए टमाटर भी आराम से दब रहे हैं। प्याज टमाटर को कितना सॉफ्ट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर ये खाने के लायक एकदम बहुत सॉफ्ट बन के तैयार हुए और बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। लास्ट में इसमें अभी हम थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड कर देते हैं, इसी के साथ इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देते हैं। तो ये हमारी बहुत ही स्वादिष्ट बेसन प्याज और टमाटर की सब्जी बनके तैयार हो गई है। आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।